क्या आप अपने झड़ते बालों से परेशान आ चुके हैं? एंड क्या आप अपने ड्राई एंड फ्रिजी हेयर से भी तंग आ चुके हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अब टेंशन किस बात का, इस संसार में सब कुछ संभव है। Welcome back to my channel. So guys, if you're tired of managing your dry and frizzy hair and looking for the right solution to maintain your damaged hair, then here is what I've got for you guys. Regardless of your hair type, deep conditioning treatment is highly recommended, and the leading cause of your bad hair is more often than not the lack of moisture. And ऐसे बहुत सारे deep conditioning treatments हैं जो आप लोग घर पे follow कर सकते हैं एक है dry and damaged hair के लिए। So जिन लोगों का dry and damaged hair है, वे लोग इस video को जरूर follow करें। And जिन लोगों का oily scalp and oily hair है, उन लोगों के लिए मैं आपको मेरी video जरूर बनाऊंगी। So please stay tuned for that. And what are you waiting for? Let's get into the video. सज्जनों, आप लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हमें आपसे निवेदन है कि आप अपने कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे साथ इस सफर में बनाए रखने के लिए धन्यवाद। योगर्ट में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारे हेयर से डैंड्रफ को दूर करता है एंड हमारे ड्राई एंड फ्रिजी हेयर को डीपली मॉइस्चराइज करता है। एग योक्स आर रिच इन विटामिन ए, ई, बायोटिन एंड फोलेट जो हमारे हेयर को डीपली नरिश करके उसे हेल्दी बनाता है। इसके साथ साथ ये हेयर लॉस होने से भी प्रिवेंट करता है। सो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है बनाना पेस्ट। बनानास आर रिच इन पोटेशियम, नेचुरल ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स जो हमारे हेयर को सॉफ्ट करके उसके नेचुरल इलास्टिसिटी को रिस्टोर करता है। इसके अलावा ये स्प्लिट एंड्स एंड हेयर ब्रेकेज को भी प्रिवेंट करता है। सो गाइस, आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी पाउडर इज अ वेल नोन प्रमोटर ऑफ हेयर ग्रोथ एंड इसे अप्लाई करने से ये हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड डैमेज्ड हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करता है। सो गाइस, हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होने के कारण ये हमारे हेयर में डीपली पेनिट्रेट होकर उसे नरिश करता है एंड उसे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ साथ ये हेयर ब्रेकेज होने से भी प्रिवेंट करता है। सो गाइस, इस हेयर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले क्लीन ग्लास बोल ले लीजिए। अब उसमें ऐड कीजिए 5 टेबलस्पून योगर्ट यानी दही। नेक्स्ट उसमें दोनों एग योक्स को ऐड कर लीजिए। अब उसमें ऐड कीजिए 5 टेबलस्पून बनाना पेस्ट। नेक्स्ट उसमें ऐड कीजिए 5 टेबलस्पून ब्राह्मी पाउडर। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिला लीजिए।
इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाने के बाद उसमें ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून एवोकाडो ऑयल। हेयर पैक अप्लाई होने से पहले हमारा हेयर टैंगल फ्री होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए गाइस हमेशा हेयर पैक अप्लाई करने से पहले किसी भी वुडन कॉम से अपने हेयर को पहले टैंगल फ्री कर लीजिए एंड फिर उसे सेक्शन वाइज अप्लाई कीजिए। इस हेयर पैक को लगाने के बाद 2 घंटे तक छोड़ दीजिए एंड फिर उसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए। धोने के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ आप अपने हेयर को शैम्पू कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे आज के वीडियो पसंद आया है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। So that's all for today. Bye. Take care and see you soon.